हाँ जी दोस्तों, तो सारे अपने चैनल पर स्वागत किया जाता है। तो हम आप लैके आए हैं थोड़े लिए PSC बोर्ड का क्लास 8th का फिजिकल एजुकेशन का फुल सॉल्वड सैंपल पेपर। हाँ जी मित्रों, अज की वीडियो आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करावे जो कि थोड़े टर्म 2 के एग्जाम आने ने, यानी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के, यानी कि PSC बोर्ड के जो टर्म 2 का एग्जाम होना है जमात 8वीं का फिजिकल एजुकेशन का, यानी कि शरीरक सिक्ख्या का। उसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अज्ज दी वीडियो च आपां तुहानूं करावांगे, जिन्हां क्वेश्चनां विचों तुहाडे पेपर विचों कोई भी क्वेश्चन आ सकदा। इस करके वीडियो नूं एंड तक ध्यान नाल देखदे रहना ते वीडियो नूं स्किप जमें ना करियो। तो चलो फिर शुरू करदे अज्ज दी वीडियो। तो हाँ जी मित्रों, जे तुसीं अपने चैनल ते नवें आए हो चैनल नूं कर लो सबसक्राइब ते नाल की घंटी नूं जरूर ऑन कर देना ताकि अपनी वीडियो दी नोटिफिकेशन सब तो पहलां तुहाडे तक पहुँच जाए। तो चलो फिर शुरू करदे अज्ज दी वीडियो। हाँ जी मित्रों, तुसीं देख सकदे हो पहला अपना लवे आजूगा भाग उड़ा। भाग उड़े में आ जाएंगे अपने लवे क्वेश्चन जिस तरह कि दो दो नंबर वाले, यानी कि छोटे प्रश्न। जिमें कि पहला प्रश्न है अपने लवे, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक सोन तगमा कदों जीत्या। तो हाँ जी मित्रों, ये आपू पहला क्वेश्चन पेपर दिखाया थी, जोड़ा सैंपल पेपर वो आप सॉल्वड लैके आए हूँ थोड़े लिए। पहला उस कले क्वेश्चन थे, हूँ आप उत्तर भी लैके आए उन्होंने। देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का उत्तर है 1980 तो बाद अभिनव ने ओलंपिक खेडों विचों सोने का तगमा जीत के भारत की झोली विच पाया। तो हाँ जी मित्रों, दूजा प्रश्न है अभिनव बिंद्रा विश्व विजेता कदों बनया। उत्तर है 2006 विश्व चैंपियनशिप जगरेब विखे विश्व विजेता बने। ठीक है, तो अगर तीजा प्रश्न है अनुशासन का की अर्थ है। ये उत्तर है अनुशासन का अर्थ कुछ विशेष नियमों की पालना करते हुए कार्यों को पूरा करना ही अनुशासन अखवाउंदा है। अनुशासन जिम्मेवारी दी भावना, कर्तव्यों की पालना, अपने हितों की राखी और दूजों की सहायता करने की योग्यता प्रदान करता है। तो हाँ जी मित्रों, नैक्सट क्वेश्चन है अपने लवे 4th, यानी कि चौथा, योग दर्शन की है। इसका उत्तर है योग दर्शन इस गल के आधारित है कि पानी की एक ही प्रणाली प्राणी की आत्मा परमात्मा का अंश मनुख अज की भज दौड़ विच उलझन करके परमात्मा भुल गया है, जिस करके मनुख परमात्मा तो मिली हुई वास्तविक शक्ति गवा बैठा है। तो अगे नैक्सट क्वेश्चन हैगा 5वां, नशियां दा शरीर ते माड़ा प्रभाव किवें है। तो उत्तर है शरीर ते माड़ा प्रभाव किवें है, दस दें आपां तुहानूं। नशे मनुख शरीर नूं खोखला कर देंदे हन, इन्हां दे सेवन नाल व्यक्ति नूं पाचन प्रणाली संबंधी रोग लग जांदे हन, व्यक्ति नूं कैंसर वर्गी भयानक बीमारी होण दी संभावना वध जांदी है, व्यक्ति दा लहू दबाव वध जांदा है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जांदियां हन, दिल का दौरा पैण की संभावना बढ़ जाती है, व्यक्ति की याददाश्त और सोचण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसके हाथ पैर कंबन लग पैंदे हन अते वह हौली हौली अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठता है। तो अगे आज अपन लवे भाग एड़े विच माड़े माड़े बड़े प्रश्न आ जाएंगे। तुसीं देख सकते हो 6वां प्रश्न है योग दे टीचे बारे तुसीं की जानते हो। योग का मुख टीचा मनुख का शरीरक मानसिक भावनात्मक अध्यात्मिक विकास करके उस दी आत्मा का परमात्मा नाल मेल करवाउंदा है। दूजे शब्दों विच असीं कह सकते हाँ कि योग साधना राही मनुख नूं दुनियावी मुश्किलों तो मुक्ति दिवाउंदा है। योग मनुख नूं जीवन दीआं जटिल समस्यावां दा दृढ़ता नाल सामना करन लई तैयार करता है, तां जो ओह कदे अपने रास्ते तो ना भटक सकन। तो हाँ जी मित्रों, नैक्सट क्वेश्चन है 7th, खेडां दा साढ़े जीवन विच की महत्व है। उत्तर है इहदा, खेडां हमेशा विद्यार्थियों नूं अनुशासन सिखाउंदियां हन, क्योंकि खेडां दी मुढ़ली सिखलाई ही अनुशासन तो शुरू हुंदी है। ओह ही विद्यार्थी उत्तम खिडारी बन सकता है जो अनुशासन विच रह के खेड दी सिखलाई प्राप्त करता है। खेडां खिडारी च अनुशासन दे नाल नाल अनेक गुणां दा निर्माण भी करदियां हन, जो कि भविख विच बतौर नागरिक समाज लई लाहे
ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 8th। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਐਵਾਰਡ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬੋਆਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੋਲਡਨ ਬੋਆਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਜੂ ਭਾਗ ਈੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਇਨਾਮ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਡਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 10ਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਅਗਲਾ 10ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਅਗਵਾਈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸੰਤੁਲਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 11ਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਪਲੱਸ ਅੰਗ, ਅਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 8, ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੱਸਾ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਮ, ਨਿਯਮ,
आसन प्राणायाम प्रतिहार धारना धारना ध्यान समाधि। ठीक है, यह अठ प्रकार के अंगां नाल मनुखी शरीर नूं तंदुरुस्त मन नूं बलवान बनाउंदा है ते परमात्मा दी प्राप्ति लई अहम रोल अदा करदे हन। अष्टांग योग दे अठ अंग हेठ लिखे हुए हैं, आ भी सारे जिहड़े लिखे हुए ने इन्हां नूं एक बार याद कर लेना, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो अगे नैक्सट क्वेश्चन हैगा, बारमन नशियां नूं किस तरह रोकिया जा सकता है। किसी भी नशा करन वाले व्यक्ति दा नशा छुड़ाउण कोई औखा कार्ज नहीं है। नशे दा त्याग करवाउण लई नशा सेवन करन वेले व्यक्ति दे दिलो दिमाग च तब्दीली लियाउणी बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा उस दे हड्डां विच रच जांदा है। नशे तों छुटकारा पाउण लई हेठ लिखे तरीकियां नाल व्यक्ति नूं मानसिक तौर ते तैयार करना चाहीदा है। ये तरीके ने जिन्हां नाल कि नशे छड़ सकदे बंदा। प्रेरणा, बच्चों नशियां तो दूर रहना लई प्रेरित करन विच माता पिता ते अध्यापक वर्ग दा अहम रोल हुंदा है। उन्हां नूं चाहीदा है कि समय समय सिर बच्चों नूं नशियां दे माड़े प्रभाव तो जाणू करवाउणा रहना, ते जो बच्चा सही प्रेरणा लैके नशियां तो कोहां दूर हो सकण। नैक्सट पॉइंट हैगा, व्यक्ति बच्चा यह नहीं मनदा कि वह नशा करता है, सो अजिहे हालातों विच उस प्रति मित्रता ते हमदर्दी भरिया वतीरा रखना चाहीदा है। जेकर व्यक्ति इस तरह मनन लई तैयार ना होवे तां किसी माहर मनोविज्ञानी दी मदद नाल नशा करन वाले व्यक्ति नूं नशा छड्डन लई तैयार करना चाहीदा है। ते चौथा पॉइंट हैगा, परिवार दी भूमिका। किसी भी व्यक्ति नूं नशा छुड़ाउण विच उस दे परिवार दा सहयोग होना ते जरूरी है, क्योंकि इहो जिहा व्यक्ति नाल जेकर हमदर्दी भरिया हवैया नहीं होवेगा तां व्यक्ति अपने आप नूं इकला महसूस करेगा। जो अजिहे व्यक्ति नूं परिवार वल्लों संपूर्ण सहयोग देण दी लोड़ हुंदी है। घरदिआं वल्लों उस नूं किसी भी थां ते अते दूजिआं श्रोमणी निंदना जां कोसणा नहीं चाहीदा, जिस नाल उस नूं शर्मसार होना पैंदा है। तो अगे अपने वाहिगुरू भाग सत्सा, इस विच वड्डे प्रश्न आए नेगे जो कि तुहाडे लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने। हाँ जी मित्रों, वड्डे प्रश्न हैगे ने। पहला हैगा, नशियां दे वध रहे रुझान दे किहड़े किहड़े कारण हन, कारण दसने ने। देखो उत्तर हैगा दा, नशियां दे वध रहे रुझान समाज विच नशियां दे वध रहे रुझान दे कारण हेठ लिखे हुए हन। पॉइंटां विच दसना है, इस ते तीन पॉइंट ने। पहला हैगा समाजिक कारण, अज बच्चे नूं उस दा आला दुआला फिल्मां अते गीतां दा फिल्मांकल नशियां वल प्रेरित कर रहा है। फिल्मों विच दिखाए जाण वाले नशियां दे दिश कलाकारां दे किरदार दी शख्सियत नूं उभारदे हन। अज कल गीतां दे फिल्मां कारण विच वी नशियां दे दृश्य शान दे प्रतीक वजों दर्शाए जांदे हन। नैक्सट बनेगा परिवारक कारण, कई वारी परिवार दे टुटदे रिश्ते विच बच्चे नूं नशियां वल मोड़ दिंदे हन। पती पत्नी विच अणबण जां तलाक दी स्थिति पैदा होण कारण घर दा माहौल खराब हो जाण करके वी बच्चे नशे दा आदी हो जांदा है। कई वार माता पिता अपने बच्चे नूं ज़्यादा लाड़ प्यार विच वी बिगाड़ लैंदे हन। इन्हां हालातों विच वी बच्चे माँ बाप तों चोरी छिपे नशे करन लग जांदे हन। तो अगे तीसरा पॉइंट हैगा, अपने साथियों च दिखावा। बच्चा जदों समाज विच विचरदा है तां अपने आर्थिक पद्धर नूं ओह दूजे बच्चों के आर्थिक पद्धर नाल तुलना करन लग जांदा है, ते नशा करके अपने आर्थिक पद्धर नूं दूजे बच्चों तों उच्चा दिखाउण दी कोशिश करदा है। तो अगे हैगा चौदहवां क्वेश्चन, अपन लवे नशियां दे माड़े प्रभाव लिखो। अज समाज नूं नशे वर्गी गंभीर समस्या का श्रोमणा करना पै रहा है। सामना भी लिख सकते हो श्रोमणा, या फिर इन्हां नशियां दे इंसान की जिंदगी नूं बुरी तरह प्रभावित किया है, जिस कारण मनुख ते माड़ा प्रभाव पै रहा है। इस दे पॉइंट ने अगे शरीर ते माड़ा प्रभाव की पै रहा, पहलां दा देखो, नवें मनुखी शरीर नूं खोखला कर दिंदा है नशा। इन्हां दे सेवन नाल व्यक्ति नूं पाचन प्रणाली संबंधी रोग लग जांदे हन, व्यक्ति नूं कैंसर वर्गी भयानक बीमारी दा संभावना बढ़ जांदी है।
व्यक्ति का लहू दबाव बढ़ जाता है तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। दिल का दौरा पैण की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति की याददाश्त सोचण शक्ति कमजोर हो जाती है। उसके हाथ पैर कंबन लग जाते हैं अते वो हौली हौली अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठता है। तो अगे सैकेंड पॉइंट है मतलब विहार ते माड़ा प्रभाव। नशे मनुख दे विहार नूं बहुत प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का अपने आप दे काबू नहीं रहिंदा। अक्सर वह नशे की हालत विच बिना कारण तो लोगों नाल लड़ाई झगड़ा करता रहिंदा है। उसके सुभाव विच चिड़ापन आ जाता है। इस तरह वह अपने परिवार ते मित्रां तो दूर हो जाता है। तो कि नैक्सट थर्ड पॉइंट समाजिक जीवन ते माड़ा प्रभाव। जिथे नशे व्यक्ति दे शरीर अते विचारां ते माड़ा प्रभाव पाउंदे हन उत्थे इह व्यक्ति दे समाजिक जीवन ते भी माड़ा प्रभाव पाउंदे हन। इह व्यक्ति दी समाज विच कदर घटा दिंदे हन। समाज विच नशा करन वाले दे कई नेड़े नहीं आउंदा, उहदे कोई नेड़े नहीं आउंदा। नशा करन वाले दे व्यक्ति दा चरित्र हौला पै जांदा है ते हौली हौली समाज विचों उस दी सांझ खत्म होण लग जांदी है। तो अगे नैक्सट क्वेश्चन हैगा 15, योग दे उद्देश किहड़े किहड़े हन। ते तुहाडा लास्ट ते वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, योग सिक्ख्या विद्यार्थी जीवन विच बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दे टीचे नूं प्राप्त करन लई हेठ लिखे उद्देशां नूं ध्यान विच रखना चाहीदा है। पहला हैगा देखो इस विच भी दो पॉइंट ने, सेहतमंद बनाउणा ते दूजा हैगा मानसिक तौर ते मजबूत बनाउणा। पहला करदे हां, पहला आपां योग आसन शरीरक कसरत है। जेकर सही ढंग नाल नियमित रूप विच योग अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति का शरीर हमेशा ताकतवर तंदुरुस्त चुस्त रहिंदा है। भिन्न भिन्न योगा आसन साढ़े शरीर के भिन्न भिन्न अंगा प्रणालियां तंदुरुस्त रखते हैं और रोगों नाल लड़न की शक्ति बढ़ाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति लई योग आसन करने बहुत ही लाभदायक होंगे। अगे नैक्सट है मानसिक तौर वाला, इहदा भी दसदा आपां। योग ना केवल इंसान नूं शरीरक पक्षों ताकतवर बनाउंदा है सगों उस दे मन नूं एकागर करके स्थिर भी रखता है, जिस नाल ओह मानसिक तौर ते मजबूत हो जाता है ते उस विच आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। इस आत्मविश्वास सदका ओह औखे तो औखे वेले बिल्कुल भी नहीं घबराउंदा, सगों अपनियां मुश्किलां दा सामना हौसले नाल करदा है अते हर समस्या दा हल छेती करन दे योग हो जांदा है। तो अगला एंडला क्वेश्चन हैगा मित्रों, अनुशासन दी लोड़ ते महत्ता बारे तुसी की जानदे हो। अनुशासन दी लोड़ ते महत्ता बारे तुसी की जानदे हो, एक क्वेश्चन तुहाने आप करना है। ते जे तुहाडा क्वेश्चन हो गया आपां नूं टैलीग्राम ते जरूर भेजना, आपां नूं पता लग जू भी तुसी भी किन्ना कु जानदे हो इस बारे क्वेश्चन बारे, अनुशासन दी लोड़ ते महत्ता बारे तुसी की जानदे हो। इस विच यानी कि तुसी लिखना अनुशासन की लोड़ की भी अनुशासन क्यों रखना चाहिए, अपने की लोड़ आप महत्ता दसनी है। इसे क्वेश्चन लिख के अपन टैलीग्राम से भेज सकते हो। तुम अपना चैनल का लिंक थानू टैलीग्राम के चैनल का लिंक अपन डिस्क्रिप्शन मिल जू, थानू उत्थे जाके अपन ज्वाइन कर लियो अते उत्थे तुहानू अपने चैनल के डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अते जे तुसी अपने चैनल पर नवे आए हो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना अते नाल लगी घंटी नू भी जरूर ऑन कर दियो ताकि अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन जी सब तो पहले तुहाडे तक पहुँच जाए। तो हाँ जी मित्रों, अपनी वीडियो में लाइक शेयर करना ना भुलना ते कमेंट करके जरूर दसना कि तुसी किहड़े पिंड विच हो ते तुहाडे स्कूल का की नाम है ते तुहाडा पेपर जिहड़े बाकी जिहड़े तुहाडे पेपर होए ने वो वधिया हो गए। आपां सारे पेपरां दी जिहड़ी तैयारी कराई दी, तुहाडे 8वीं जमात दे सारे पेपरां दी वधिया तैयारी कराई दी तुहानू, ते आपां नूं कमेंट करके जरूर दसना जी तुहाडे पेपर वधिया हो गए। तां सारिआं नूं धन्नवाद अपनी वीडियो देखण लई ते अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर शेयर करो इस वीडियो नूं भी। ये जिहड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा तुहाडे पेपर विच इन्हां विचों कोई भी आ सकदा है इस करके। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तक लई सारिआं नूं धन्नवाद।